आपकी आज की बात नहीं थी, वीडियो साहब ऐसा गत बना दूंगी मैं आपकी जिंदगी भर याद रखोगे, दिगंबर दिगंबर कोई ना बचा देखो। काम करने वाले के लिए प्राइवेट सेक्टर और मुफ्त में खाने वाले के लिए सरकारी। कृष्णा कौरानी जी जयपुर से जुड़े हैं, नमस्कार कृष्णा जी, बताइए। सर नमस्कार फारिक साहब, बताइए सर क्या कहना चाहेंगे। फारिक साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करूंगा जी, और ये आप जो रिपोर्ट दिखा रहे हो मैं इसको पूरी देख रहा हूँ। फारिक साहब सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, जब जब भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने सख्ती से उस पालना की है इनकी विपक्ष में जब ये थे, और उनको जाहिर सी बात है जेल में भी गए हैं वो व्यक्ति। दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा परीक साहब, अभी 15 से 20 दिन पहले सांगानेर से नगर निगम के अंदर एक रामानंद अग्रवाल जी लगे हुए थे आरएस ऑफिसर जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने उस व्यक्ति के साथ इस तरीके से बकसुलूती की, इस तरीके से बकसुलूती करी, आज उस कार्यकर्ता ने मिलकर उस बेचारे गरीब आदमी को एपीओ करवा दिया। सबसे बड़ी ये देखो, और कुल मिलाकर नियंत्रण की बात है, आपसी तालमेल की बात है। कृष्णा जी वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश जी क्या समझा जाए, नियंत्रण जो होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का किसी अफसर पर वो फिलहाल नहीं है। मुकेश जी लगातार संगठन का और सरकार का बचाव कर रहे हैं। नहीं मुकेश जी संगठन और सरकार का बात करें, हुँ? अनीता जी कह रही हैं हम सरकार नहीं होती, राजस्थान सरकार के मंत्री। आप ठीक कह रहे थे कि किसी भी अधिकारी से क्या काम लेना है, उसे कानून बने हुए सिस्टम बना हुआ है, तो आप किसी अधिकारी को ये कहें सुरेश जी पुराने नहीं, 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 याद पुराने जमाने पुराने जमाने और नए जमाने भंवरलाल जी क्या कहते थे, भंवरलाल जी क्या कहते थे, भंवरलाल जी क्या कहते थे, चिरंजीवी लाल क्या कहते थे, अनीता ने क्या कहा इसमें बात नहीं नहीं वो भी याद रखो ना, ये कहो दिग्विजय सिंह जी क्या कहते वो भी याद रखो। आप ऐसा है कि केवल पाक साहब मत बनिए इस मामले में, विशेष से नहीं बहन, मैं विशेष से भटक नहीं रहा, मैं कह रहा हूं पुरानी बातें याद रख लीजिए अपने को, कह दो कि अनीता जी ने ठीक कहा है, आप मैंने कहा सुरेंद्र टीटे ने मैंने 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 नहीं कहा, मैंने कहा आप कहो ना भंवरलाल जी ने सही कहा, आप कहो ना भंवरलाल जी ने सही कहा था, नहीं नहीं आप गलत हैं, भंवरलाल जी ने सही कहा था, प्रशासनिक अधिकारियों से काम लेना आता नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारियों से सिस्टम ठीक करते नहीं है, आपकी पार्टी में अनुशासन है नहीं, आपके पार्टी में किसी अनुशासन आपसे कितना दिख रहा है ना, अशोक गहलोत जी कहीं जा रहे हैं, सचिन जी कहीं जा रहे हैं, आप और कितना अनुशासन है वो, तो आप और अधिकारियों को गाली निकाले, लेकिन मुद्दा अधिकारी का हूँ, आप अपना अपना निर्णय करें, आप विधानसभा में बैठ के निर्णय करें और इन अधिकारियों से काम लें, जिससे इस राजस्थान का हित हो, राजस्थान का विकास हो, आप राजस्थान का विनाश करना चाहते हैं, आप अधिकारियों को काम नहीं लेना चाहते। मुकेश जी सीधा सा सवाल है कि क्या नियंत्रण कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुरेश जी की पार्टी लगातार सवाल कर रही है, एक बात सामने आ रही है कि नेता बन गए लेकिन उनके पास वो लगाम नहीं है जिसके जरिए ब्यूरोक्रेट्स को काम लिया जा सके। नहीं मैं सुनील जी शुरू में ही कहा इस बात को कि ये वास्तव में बहुत गंभीर मुद्दा है, पार्टी इसमें बहुत गंभीरता से सोच रही है। हमने आपको ध्यान में होगा सांसदों का ओरिएंटेशन किया, दो दिन का कैंप लगाया, विधायकों का लगाया, ये उसकी ये तस्वीर देख रहे हैं हम, एक, क्या है? एक प्रकार से नवाचार 160 एमएलए से तो बहुत सारी प्रॉब्लम डे टू डे आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी न किसी स्तर पर हमको इस बात को भी सोचना होगा कि चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते से कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि के दिमाग में एक सीधी सी पिक्चर होती है कि 5 साल में मुझे क्षेत्र के विकास के डेवलपमेंट के जो काम है उसको करने के लिए कुछ पैरामीटर तय है कि 5 साल बाद उसको चुनाव में जाना है। किसी भी एक 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 मिनट सुरेश जी, एक मिनट, मैं अनीता जी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं भी अनीता जी की बात नहीं कर रहा, बात तो अनीता जी की है, बात प्रभुलाल से नहीं है, प्रहलाद सुंदल की है, बात अशोक डोगरा की है, कमलाल मीणा की है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं केवल पार्टी की बात नहीं कर रहा, चार पांच बात मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस प्रश्न को खड़ा कर रहा हूँ कि किसी न किसी स्तर पर जनप्रतिनिधि के नाते से हमको इस बात को सोचना होगा कि ऐसे हालात क्यों बनते, क्योंकि उसको 5 साल मतलब काम नहीं हो रहे, आप ये कहना चाहते हैं काम नहीं हो रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी सुन नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को जिसको 5 साल बाद चुनाव में जाना है उसको रिजल्ट चाहिए, और कहीं न कहीं प्रशासनिक धर्रे में ये बात आई है कि वो ये समझता है कि मैं 40 साल की परमानेंट नौकरी पे हूं तो मेरी नौकरी को आंचनी है, धीरे डंडे के दम पर वो रिजल्ट लाए जाएंगे, जल्दी करूं धीरे को, नहीं डंडे के दम पर लाए जाएंगे, डंडे के बल पे न कोई रिजल्ट आया न कोई आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है
कि मैं टीम राजस्थान के साथ काम करती हूँ। मैं राजस्थान की जनता भी जुड़ी है हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जाकिर साहब है, सुनील जी है और अशोक पंडित साहब है, बीकानेर जयपुर और अजमेर से आप जुड़े हैं। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब ऑफिसर से बड़ा, अफसर से बड़ा राजनेता होता है। राजनेता उनको धमकाते हैं, भाई हम तुम्हारी बदली कर देंगे, हम तुम्हारे ये कर देंगे, भाई टीवी पे जाओ आप बता रहे, वीडियो वगैरह वायरल होते हैं और ये काम बिल्कुल उनको करने नहीं देते। दूसरी बात यह है कि मैं बीकानेर के अंदर रहता हूँ, हमारे घर से मात्र होगा 400 मीटर दूर पर सिविल लाइन है, उसका सर्वे 15 साल में कोई 1500 बार हो चुका है, आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण आप जानते हैं क्या होता है, बजट वहाँ पास है, फाइलें वहाँ सब कुछ होता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जनता के काम नहीं हो रहे हैं जाकिर साहब, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं ब्रेक के बाद आपका मसला लेकर आऊंगा। सुनील प्रजापत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्कार अश्विनी जी, तीन सवाल। पहला सवाल है, कोटा में एक पार्षद ने एक जयन का हाथ तोड़ दिया, आपको पता है, ठीक है? पहला गुंजर का भाई ओम प्रकाश गुंजर। अच्छा दूसरा सवाल, अपने जयपुर से सांसद रामचंद्र बोरा की बेटी की मतलब नगर निगम का कर्मचारी कोर्ट के करने गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय अपने रामचंद्र बोरा ने कार्रवाई करी। और तीसरा सवाल, आज आपने देखा केंद्र में सरकारी और उत्तराखंड के ऊपर आप ये देखो जो सत्ता होते हुए भी अपना पावर इस्तेमाल करी, दादागिरी दिखाई, जनता क्या राजस्थान में क्या बीजेपी पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है? आपका इशारा यहाँ है, धन्यवाद आपका। अशोक पंडित साहब जी सर नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और केंद्र में इनके वक्ता भले वो सांसद है, भले वो मंत्री है और भले वो विधायक है, उनका मत उनकी जबान पर कंट्रोल है और वो देश के अहित में प्रजातंत्र के विरोध में जैसा कहे वैसा बोल रहे हैं। और यही कारण है कि आम आदमी के अंदर अभी शुरुआत इनके राज में डर पैदा हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक लोग आए अपना काम करवाने के लिए, अब जाते हैं मंत्रियों के जाने के लिए घबराते हैं, डरते हैं और उनका एक गुट बन के उनके गुट बन गए कि अगर कोई दूसरा आदमी आता है उसको हड़काओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ। और इस पार्टी के खिलाफ बोलने वाले को ये एक ग्रोह से ही का मुकदमा ही चलवा सकते हैं, इनके बाद उनके कुछ नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी इनमें कोई कार्यक्रम नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पंडित साहब आपका। भागीरथ जी, क्या स्थिति समझी जाए इसमें, क्या लगता है कि अफसर काम कर पाएगा ऐसे हालात में? देखिए ये दो सिचुएशंस हैं जो मैंने पहले कहा कि मंत्री के सामने अफसर अगर काम करने से मना करे, मंत्री को सारे पावर्स हैं और वो काम ले सकते हैं, बशर्ते कि काम लेने का उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया उसकी टोटल नॉलेज हो। हमारे टाइम पे मंत्री बिल्कुल फुल्ली नॉलेज रखते थे हर बात की, क्या नीति है, क्या कानून है, किस तरह से क्या है। और फाइल के ऊपर मान लो कोई, जैसे एक सिचुएशन में मेरे अपना अनुभव बता रहा हूँ, एजुकेशन में था मैं, मेरे सीनियर मुझे बुला करके कहा कि भाई ये एक केस आपके सामने आ गया, उसमें थोड़ा नरमी बरत रहा, बड़ा कड़ा लिखते हो केस, इस तरह का गबन घोटाले का केस था, बहुत ही और उसकी इंक्वायरी होकर मेरी फाइल मेरी टेबल पर आई थी। मैंने उसके अंदर लिख दिया कि ही शुड नॉट ओनली बी डिसमिस्ड, टर्मिनेट होता है जब तो उसको पेंशन मिलती है, बट ही शुड बी बिहाइंड बार्स। फाइल जाते हुए एकदम से नाराज हुए, मतलब नेता भी उस तरह के अब नहीं रहे हैं, नाराज हुए, मुझे बोला क्या लिख दिया आपने, चीफ मिनिस्टर मैं हूँ या आप हो? मैंने कहा सर चीफ मिनिस्टर था मैं तो, बहुत छोटा आदमी, कैसे लिखा ये आपने? मैंने कहा था ना आपको, तो फिर मैंने तो थोड़ा रिएक्ट किया, बड़े प्यार बहुत ही इज्जत से किया। मैंने कहा सर मेरा निवेदन, नीति आपने बनाई, कानून आपने बनाया, मैंने तो उसी हिसाब से लिखा है, मैं अगेंस्ट उसके खिलाफ कैसे, आप जो कहो हुक्म करना हो कर दो, इस पर मुझे कानून दिखाते हो जाइए। गुस्से में थे, रमणन साहब को फाइल दिखाई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही लिखा है इसके, तो मीडिया में और में सब में हो गया, बड़ा जबरदस्त घोटाला है। तो मुझे देखिए मैं उनका बड़प्पन बता रहा हूँ, ऐसे नेता नहीं है। अब मुझे बुला के और कहा बैठो बागरी जी, मैंने सोचा नरम तो हैं थोड़े, तो मैंने कहा नहीं सर आप फरमाओ। मेरे सामने देख के मुस्कुराए कि बागरी जी कल जो है मैंने आपको गलत डांट दिया, आप सही थे, आप अपने सिद्धांत पर कायम रहना, हम लोग तो थोड़ा बहुत 19-20 बात कर लेते हैं। सवाल तो यही है कि आज वो स्थितियां हैं कि नहीं है। सुनील सुशील शर्मा जी जयपुर से हैं और साथ ही राजेंद्र जी अजमेर से हमारे साथ हैं। सुशील जी नमस्कार। हाँ नमस्कार तारिक साहब, बताए तारिक साहब, जनप्रतिनिधि की मजबूरी है कि 5 साल में जैसे तारिक साहब कह रहे थे वापस जनता के पास जाना पड़ता है जी। अब क्या यहाँ सारा कंट्रोल महारानी कर रही है, तो अब
डॉक्टर माने नहीं, वो बेचारे कन्यादान देके पोस्टिंग लेके आते हैं। अब उनको कहना कि अपने काम अपने तरीके से करना होता है, अधिकारी ऐसे ये देखते हैं कि हम चलाएं, और एमएलए और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा काम इसी समय में हो, तो ये इनका तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये क्या ऊपर से बेलगाम है या फिर तालमेल की कमी है। मैं ओम जी का रुख करूंगा जब जानूंगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जैन साहब आप क्या कहेंगे? आप सबको नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के किसी भी सरकार के अंदर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर ही काम करते हैं, समन्वय से काम होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में जो भी वाकया हुआ उस हिसाब से जनप्रतिनिधि समन्वय की कमी है। ओम सैनी जी का रुख करना चाहूंगा। जैन साहब धन्यवाद आपका भी। क्या लगता है बेलगाम है यहाँ अफसर या जनप्रतिनिधि? जैन साहब की बात बहुत ठीक है, समन्वय वाला सिलसिला बड़ा महत्वपूर्ण है, और साथ साथ में संवाद और भाषा का जो सिलसिला बिगड़ा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो पॉइंट करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी उन दोनों को इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहिए। बार बार निर्वाचित लोगों को भी समझाना चाहिए कि आपकी भाषा आप ठीक से इस्तेमाल कीजिए, ऐसा ना कीजिए जैसे गुंजल साहब कर रहे हैं या मैडम बंसल कर रही हैं। ये भाषा नहीं है बात करने की, ये संवाद करने की नहीं है, लेकिन आपने कुछ अलग किस्म का एक चित्र बना दिया है पूरे प्रदेश के अंदर कि अपने अपने इलाकों के आप अंदर आपको देखना है, अपनी अपनी गारंटी के साथ में वापस आपको आना है, तो ऐसी स्थिति में उनका उत्तेजित होकर के और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना एक चलन सा हो गया है। जितने नाम आपने लिए जितने दिखाए हैं उससे लगता है कि लोगों की, और साथ साथ में ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है जिसके लिए हम हमेशा इंगित करते हैं राजनेताओं को, लेकिन हकीकत यह है कि नीचे बाबू से लेके अफसर तक जो कुछ करता है वो इसी भाषा से शायद समझता है, ऐसा निर्वाचित। लेकिन एक सवाल है, देवी सिंह भाटी ने जब सरकार का निर्वाचन हुआ उसके कुछ दिन बाद स्टेटमेंट जारी किया और कहा था कि राजस्थान में कंपनी राज है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। अफसरों पर जनप्रतिनिधियों नियंत्रण नहीं, आपकी बात सही है, मगर अफसर सुन नहीं रहे हैं और नेता भी काम कर रहे हैं, नेताओं में भी कमी रही होगी कुछ ना कुछ, तो इसलिए उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मगर अधिकारियों को ध्यान रखते हुए जनता का काम करना चाहिए। जनता बहुत परेशान हो रही है, कोई भी डिपार्टमेंट हो चक्कर काटने के अलावा कोई काम नहीं है। तो अधिकारी लोग हैं वो नेताओं जो नेताओं के जो भी निर्देश है या तो उनका पालन नहीं करे, तभी आदमी इतने फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है। एक इतना बड़ा नेता है, मतलब लाख दो लाख जो जनता होती है उसको चुनती है, उसको चुनने के बावजूद वहाँ पर जाता है। तो ये ही नहीं कि हर एक नेता बोल रहा है, जैसे 5 साल का टाइम होता है, अगर कोई आदमी नेता हो तो अगर इस टाइप का आदमी तो रोजाना ही बोले, पर एक दो साल में एक दो बारी क्यों बोलता है? इसका मतलब ये या तो अधिकारी काम नहीं कर रहे, और अधिकारी काम नहीं कर रहे जनता नेता से बोलती है क्योंकि उनका सुनने वाला वही है। अब अधिकारी काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है नेता अधिकारियों को फटकार लगाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन में आके परेशान होके क्या करे आदमी, काम नहीं हो रहा, इसलिए वो अधिकारी को फटकार लगाई जाती है। आपकी आज की बात नहीं की वीडियो साहब, ऐसा गत बना दूंगी मैं आपकी, जिंदगी भर याद रखोगे दिगंबर, दिगंबर कोई ना बचा देखो। काम करने वाले के लिए प्राइवेट सेक्टर और मुफ्त में खाने वाले के लिए सरकारी।